जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। देखिए कितनी जबरदस्त बात बोली गई है कि आई हैव अ ड्रीम वर्थ मोर देन माय स्लीप। मतलब क्या है कि ड्रीम जो है वो इतना ताकतवर है कि उसके सामने कुछ भी नहीं है, इवन जो नींद होती है वो भी कुछ भी नहीं है। अब यहां पर लिटरली आपको नींद नहीं लेना है, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन कर रहे हैं, सोना बंद कर देंगे। सोना बंद करने से प्रोडक्टिविटी खराब होती है, लेकिन यहां पर इंटेंसिटी आपको समझना है कि चाहे बीच में कुछ भी आ जाए उसके ऊपर मेरे ड्रीम्स है जो मुझे अचीव करना है। आपको अगर यूपीएससी क्लियर करना है तो उसके सामने कुछ भी नहीं आ सकता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आ सकता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या है कि आपके गोल के पास ले जाने से वो आपको रोक रहा है। तो ऐसे बीच में कोई चीज नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि आपका जो ड्रीम है इतना स्ट्रांग है, आपका जो पर्पस है वो इतना स्ट्रांग है। जब वो जिद इतनी स्ट्रांग हो जाती है तो अपने आप जो बीच में आने वाली चीजें हैं वो अपने आप दूर हो जाती है। प्लैनेट्स, आपको पता है ना, प्लैनेट्स जो है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, और आसपास अगर छोटे छोटे कोई भी टुकड़े उन्हें दिखाई देते हैं तो या तो अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं या बाहर चले जाते हैं। तो इसी तरीके से हमें रखना है, जो भी डिस्ट्रैक्शन है या तो उसे खत्म कर दो या तो अपने पर्पस को इतना स्ट्रांग बना दो कि वो दिखाई ही ना दे। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है, तब जाकर हमारे जो भी ड्रीम्स है, जो भी एग्जाम है, वो आसानी से क्लियर हो सकती है। अब यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। यूपीपीएससी की एग्जाम हुई अभी कुछ ही दिन पहले, और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि 70% से ज्यादा, मतलब टोटल अगर आप देखो तो 120 क्वेश्चंस जो है वो हमें उसमें देखने को मिले थे, और 70% से ज्यादा क्वेश्चंस एमएम एकेडमी ऐप से आए थे। जी हाँ, अगर आप देखो तो जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे वो सारे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस एमएम एकेडमी ऐप पर जो मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स है उसमें कवर हो चुके हैं। उसी के साथ साथ जो पॉलिटी के लेक्चर्स है, पॉलिटी के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन जो पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। और उसी के साथ साथ करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन आए थे, तो वो कौन बनेगा आई सीरीज जो एमएम एकेडमी ऐप पर आती है उसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर के, मतलब न्यूज़पेपर एनालिसिस, कौन बनेगा आई सीरीज एक डेडली कॉम्बिनेशन है करंट अफेयर्स के लिए। तो आप यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर के क्वेश्चन अगर मैं कौन बनेगा आई सीरीज के क्वेश्चन ढूंढूंगा तो काफी टाइम लग जाता था, इसीलिए मैंने जो इजिली मुझे मिल गए, मॉडर्न हिस्ट्री के बोलिए, पॉलिटी के बोलिए, वो सब मैंने यहाँ पर लिए हैं। अब इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि एमएम एकेडमी ऐप जो है ये एक सही में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका पूरे पर्सपेक्टिव से, 360 डिग्री पर्सपेक्टिव से आपकी जो प्रिपरेशन है वो हो जाती है किसी भी एग्जाम के लिए, भले वो यूपीएससी हो, भले वो स्टेट पीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई दूसरी एग्जाम है उसके लिए दूसरी प्रिपरेशन रहेगी, दूसरे तरीके की प्रिपरेशन रहेगी। लेकिन एक ही इसमें, क्योंकि हम यहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं, हम यहाँ पर जो एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो भी कवर करते हैं, तो इससे आपको एक होलसम जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो मिल जाता है। और उसी के साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमें अप्रोच कैसे करना है, मतलब क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमें पढ़ना है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा वीडियोज किस तरीके से हमें देखने हैं। तो ये फायदा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, और एक्चुअल में काफी अच्छे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर जो लिस्ट है आपको दी गई है, मतलब इसमें आपको टाइटल्स दिए गए हैं और दूसरी लिस्ट में आपको आर्टिकल्स दिए गए हैं, और आपको प्रॉपर मैच करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी एग्जाम्स में ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप यूपीएससी देखो तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन की आर्टिकल पूछ लिए जाए, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर की हुई है। ये जो आप स्क्रीनशॉट्स देख रहे हो ये एमएम एकेडमी ऐप पर जो मैं पॉलिटी की सीरीज ले रहा हूं उसके स्क्रीनशॉट्स है, ठीक है। और यूट्यूब के कंपैरिजन अगर आप देखो तो जो एमएम एकेडमी पर पॉलिटी की सीरीज है बहुत ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, कॉम्प्रिहेंसिव है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, फ्रीडम ऑफ मैरिज ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज, राइट टू एजुकेशन। अभी क्वेश्चंस भी मैंने क्यों लिए हैं, क्वेश्चंस इसीलिए लिए हैं जिससे कि मैं आपको एक अप्रोच भी बता सकूं कि कैसे आप कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल सको। जैसे मैं बोलता हूं ना हमेशा कि प्रीलिम्स क्लियर करना एक टैलेंट के बेसिस पर होता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास कम नॉलेज है फिर भी वो क्लियर कर सकता है, टैलेंट के बेसिस पर, ठीक है। एक आर्ट है, ये आर्ट अगर आपको समझ में आ गया आप कोई भी एग्जाम के प्रीलिम्स निकाल लोगे। तो यहां पर कैसे आपको अप्रोच करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको देख लेना इन चारों में से कि कौन से इसका आर्टिकल आपको अच्छे तरीके से पता है।
अब बहुत सारे लोग अगर आप देखो तो 90% ऑफ लोग जिन्होंने मेरी सीरीज जो है पॉलिटी की देखी हुई है उनको राइट टू एजुकेशन तो 100% पता होगा, उसमें किसी को डाउट ही नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट टू एजुकेशन जो है वो लास्ट में आता है। अब इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ 90 या 100% लोगों को पता होगा जिन्होंने सीरीज देखी हुई है कि ये आता है 21A में। और क्यों आता है, क्योंकि मैंने रीजन बताया था, ये तो वॉट हो गया। वॉट हो गया क्या? वॉट हो गया कि राइट टू एजुकेशन जो ये आता है 21A में। अब वॉट याद रखना मुश्किल होता है अनलेस अगर आप उसके पीछे का वाय याद ना रखो। तो मैं इसीलिए आपको हर चीज का वाय बताता हूँ। तो भाई क्यों ये आर्टिकल 21A में आता है, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 21 क्या है। ये तो मतलब अगर नहीं पता है किसी को तो फिर तो वो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लिव विद डिग्निटी, मतलब डिग्निटी के साथ हमें जीने का अधिकार है। और डिग्निटी के साथ अगर जीने का अधिकार है तो बट ऑब्वियसली डिग्निटी किसमें रहेगी? अच्छी तरीके से आप जी कब पाओगे? जब आप प्रॉपर एजुकेशन लोगे। तो एजुकेशन जो है ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जीना इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आर्टिकल 21 के साथ आर्टिकल 21A में एजुकेशन रखा गया है, ऐसे याद कीजिए मैंने आपको बताया था। तो भाई पता चल गया, अब आप कभी वॉट भूलोगे नहीं किसमें आता है राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन जो है हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 21A में, मतलब डी में। कहां पर टू आता है वो देख लेना है, कहां पर आ रहा है अगर आप देखो तो सिर्फ डी में आ रहा है। तो बट ऑब्वियसली किसका जवाब क्या रहेगा? जवाब रहेगा डी, है ना। तो इस तरीके से आप इजीली, मतलब आपने दूसरा कुछ देखा क्या? नहीं देखा, एक सेकेंड में आपका जवाब निकल गया। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना। नहीं तो लोग क्या करते हैं, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स के सोचने में लग जाएंगे, कौन सा आता है यार, आर्टिकल 19 आता है, आर्टिकल 18 आता है, आर्टिकल 17 आता है, सोचने में आपका टाइम वेस्ट हो गया, है ना। तो जहां पर सोचना पड़े वैसे इसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा सोचने का, इसलिए फटाफट फटाफट जो आपको पता है पहले वो देखो। तो इससे क्या होगा, टाइम बच जाएगा आपका, बच गया ना टाइम, एक ही ऑप्शन सीधा निकल गया, फिर आपको कोई टेंशन नहीं। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना भी है कि हाँ यही है या नहीं, फिर दूसरा देखो कि आपको थोड़ा डाउट किसमें था, 18-19 में था, तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स आप देख लो, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, हाँ 18 बराबर है। तो इस तरीके से आप जो जवाब है वो निकाल सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया आपको। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि 18 जो है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। अब मैं सारे अगर स्क्रीनशॉट लगाऊं, क्योंकि सभी लिए हुए हैं, सारे स्क्रीनशॉट लगाऊंगा तो यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए मैंने कम कम स्क्रीनशॉट्स लगाए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि 74th अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछा गया है। पहला अगर आप देखोगे तो इसने 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसने एक नया स्केड्यूल जो है वो इंट्रोड्यूस किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा है कि जो म्युनिसिपैलिटीज है उसका रिस्ट्रक्चर का काम यहाँ पर किया गया। उसी के साथ विमेन जो है उनको म्युनिसिपैलिटीज में रिजर्वेशन जो है सीट्स की वो प्रोवाइड की गई जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत। और ये अप्लीकेबल है सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड स्टेट्स के लिए ही। अब यहाँ पर आप देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमने जब म्युनिसिपैलिटीज देखा उसे मैंने आपको बताया था कि 74th अमेंडमेंट एक्ट, देखिए यहाँ पर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, उसके तहत यहाँ पर क्या किया गया है कि एक नया स्केड्यूल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, है ना। कौन सा स्केड्यूल था? स्केड्यूल 12th, है ना। मतलब जो स्केड्यूल 1 है वो है पंचायती राज का, स्केड्यूल 12 जो है वो म्युनिसिपैलिटी का है। तो इस तरीके से हमें स्केड्यूल जो है वो इंट्रोड्यूस होता हुआ देखने को मिला, और इसीलिए ये जो है पहला बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? म्युनिसिपैलिटीज, बट ऑब्वियसली कि जो 11th स्केड्यूल है वो पंचायती राज का है, 12th जो है वो म्युनिसिपैलिटीज का है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो विमेन है उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया, यहाँ पर देखिए सैलिएंट फीचर जो म्युनिसिपैलिटीज के देखने को मिलते हैं, विमेन उनको 1/3 एट ईच लेवल फॉर चेयरपर्सन, मतलब जो रिजर्वेशन है वो महिलाओं के लिए दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये कुछ ही राज्यों के लिए अवेलेबल है, यहाँ पर गलत हो जाता है, इसलिए इसका जवाब जो है हमें ए देखने को मिलता है, है ना। तो सारी चीजें यहाँ पर कवर हुई है, देखिए आपको अप्रोच किस तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पर कुछ लिस्ट दी गई है, और लिस्ट क्यों दिया गया है? टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, मतलब वही सेम है कि यहाँ पर आपको कुछ चीजें दी गई है, यहाँ पर आर्टिकल दिए गए हैं, सेम वही अप्रोच यहाँ पर आपको अपनाना है। सबसे अच्छे तरीके से आपको क्या पता है, यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ के बारे में बोला गया है, कंपैशन बोला गया है लिविंग क्रिएचर्स के लिए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायर, रिफॉर्म, सेपरेट जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव पब्लिक सर्विस फॉर द स्टेट्स। अब इसमें से आपको देखना है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या पता है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि किसी को अगर नहीं भी पता है कुछ, लेकिन फिर भी यहाँ पर कंपैशन के बारे में पता ही है, क्योंकि मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में चीख चीख कर बोला हुआ है कि जो कंपैशन है वो हमें दिखाना, ये हमारी ड्यूटी है। जो लिविंग क्रिएचर्स है उनके लिए कंपैशन दिखाना, उनके लिए सहानुभूति दिखाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ड्यूटी है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था, और उसमें हमने कवर भी किया था, यहाँ पर आप देख सकते कंपैशन क्रिएचर्स के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखो तो जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म है ये भी फंडामेंटल ड्यूटी में कवर हुआ है। देखिए कैसे पूछते हैं कंफ्यूज करने के लिए, साइंटिफिक टेंपर सभी को पता है, लेकिन ये किसी ने पढ़ा होगा कि नहीं स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म।
तो ये भी हमें ड्यूटी में देखने को मिलता है। तो इसी के तहत ये दो चीजें भी अगर आपको पता है तो हो गया, इजीली आप इसका जवाब जो है वो निकाल सकते हो। तो इसका जवाब हमें देखने को मिलता है बी, क्योंकि फर्स्ट जो है इंटरनेशनल लॉ वो हमें देखने को मिलता है 51C, है ना। तो इस तरीके से हमें जो चीजें हैं वो देखने को मिलती है। तो ये जो है 51 मतलब क्या है कि डीपीएसपी भी हमने कवर किया है, जानबूझ के स्क्रीनशॉट नहीं लगाए हैं, ये एक्सप्लेन करते हुए आपको इंटरेक्शन के थ्रू, जैसे उसी तरीके से अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से जो पॉलिटी के लेक्चर्स है आपको MM Academy ऐप पर, क्योंकि ये कहाँ का है तो MM Academy ऐप के लेक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इसमें से प्रिस्क्राइब की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। देखिए हमारे संविधान ने कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज दी है, नीचे दिए गए में से, डिफेंड द कंट्री, टू पे इनकम टैक्स, प्रिजर्व रिच हेरिटेज और सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। अब इसमें अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटी का लेक्चर अच्छे तरीके से देखा है तो यहाँ पर साफ साफ तौर पर हेडिंग में आपको पता चलेगी कि सर्टेन रिकमेंडेशन यहाँ पर दिए गए थे फंडामेंटल ड्यूटी के, और जो कि नॉट एडेड, जो कि ऐड नहीं किए गए थे। रिकमेंडेशन दिया गया था लेकिन ऐड नहीं किया गया था, वो कौन सा है, टू पे टैक्सेस। यहाँ पर देखिए टू पे टैक्सेस है ना ये, तो यहाँ पर क्या है टू पे इनकम टैक्स, ये रिकमेंड किया गया था, ऐड नहीं किया गया था। दो यहाँ पर निकल गया, सभी ऑप्शन में आपको दो नजर आ रहा है, तो ये भी इलिमिनेट हो गया, ये भी इलिमिनेट हो गया, ये भी इलिमिनेट हो गया, बचा क्या, बचा ये, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, है ना। इस तरीके से आपको स्मार्ट अटेम्प्ट करना है पेपर को, ठीक है, स्मार्टली अटेम्प्ट करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है पेपर में भी, कि सभी पढ़ रहे हैं, सभी याद कर रहे हैं कि ये है या नहीं, हाँ जो नहीं है फटाफट इलिमिनेट करो, फटाफट जवाब निकालो, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कुछ स्टेटमेंट दिए गए असर्शन और रीजन के, ये यूपीएससी में पूछा जाता है, ठीक है, ऐसे काफी पैटर्न आते हैं यूपीएससी में भी। तो यहां पर असर्शन में दिया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया ज्वाइंटली अकाउंटेबल होते हैं बिफोर द लोकसभा एंड राज्यसभा। अकाउंटेबल मतलब क्या, रिस्पॉन्सिबल, है ना। तो ये लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए होते हैं। रीजन है मेंबर है जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के एलिजिबल होते हैं मिनिस्टर बनने के लिए यूनियन गवर्नमेंट में। अब यहां पर देखिए ये स्क्रीनशॉट है MM Academy ऐप पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो लेक्चर था उसका। अब इसे पहला ही यहां पर स्टेटमेंट देखिए कि आर्टिकल 75 क्लियरली स्टेट्स दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। यहां पर राज्यसभा है क्या, जी नहीं, ओनली लोकसभा। तो यहां पर अकाउंटेबल किसको रहेगा, ओनली लोकसभा, राज्यसभा को नहीं, इसलिए असर्शन हो जाता है गलत। रीजन अगर आप देखोगे तो इलिजिबल होते हैं यूनियन में, लोकसभा के हो राज्यसभा के हो। हमने प्राइम मिनिस्टर की इसमें भी देखा हुआ है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा से भी बन सकता है, राज्यसभा से भी बन सकता है, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिली थी, वो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लिया नहीं है। अब यहाँ पर ये बिल्कुल रीजन सही हो जाता है, तो यहाँ पर जवाब क्या रहेगा, जवाब रहेगा डी, क्योंकि ए फॉल्स है, आर ट्रू है, है ना। तो इस तरीके से देखिए आप अगर लेक्चर प्रॉपरली देख रहे हो तो सभी कवर हो रहे हैं, सभी जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब कवर हो रहे हैं। और 70% मतलब सोचिए आप कि आपने अगर प्रॉपरली थरूरी रिलीजियसली अगर सिर्फ MM Academy को भी फॉलो किया है ना तो भी आपका सिलेक्शन इसमें हो रहा है। तो इसमें हो रहा है तो किसी भी एग्जाम में हो रहा है, आप समझ लीजिए किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी बोलिए, स्टेट पीएससी बोलिए, किसी भी एग्जाम में हो रहा है। नेक्स्ट यहां पर आ रहा है पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज के बारे में क्वेश्चन आता ही है। अब पंचायती राज जो है वो अभी तक MM Academy ऐप पर एट प्रेजेंट कंडीशन में अगर देखा जाए तो लाने का है, वो आने का है, अभी तक आ जाएगा। और जो ये है YouTube का स्क्रीनशॉट, ठीक है, तो सोचिए YouTube ही सक्षम है तो सोचिए कि वो सीरीज कितनी सक्षम होगी MM Academy की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कौन से, मतलब यहाँ पर क्या पहले क्रोनोलॉजी पूछी गई है कि पहले कौन सी कमेटी आई थी, बाद में कौन सी आई थी, बाद में कौन सी आई थी। तो हमने उसमें देखा हुआ है सबसे पहले आई थी बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, उसके बाद यहाँ पर अशोक मेहता कमेटी 1977, खत्म, यहीं पर आपको जवाब मिल गया, बाकी आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं। ये दो आपको अगर पता है तो आपको जवाब मिल गया, ठीक है। दूसरी, पहली कौन सी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी, मतलब ये फर्स्ट थी। सेकंड, अशोक मेहता कमेटी, ये सेकंड हो गई। तो मतलब थ्री फोर कहाँ पर आ रहा है, 3-4 आ रहा है यहाँ पर, तो सी इसका जवाब रहेगा। एकदम ईजी है, स्मार्ट वर्क, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, स्मार्ट वर्क कीजिए फटाफट। अगर आपको पहला भी पता है कि बी आर कमेटी है तो भी आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए थर्ड में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही थर्ड में पहला देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट यहां पर अब हिस्ट्री के, कुछ हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री, आपको पता है कि MM Academy ऐप पर मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीटेड है, पूरा कवर हो चुका है और सभी उसमें चीजें कवर की गई है मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। तो इसलिए यहां पर आप उसका उदाहरण जो है वो देख सकते हो। यहां पर पॉलिटी के मैंने और भी क्वेश्चंस थे मैंने लिए नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको एक अप्रोच बताना है,
मुझे यहाँ पर साबित नहीं करना है, वो तो आपको पता ही है कि सभी पॉलिटिक्स आपको पता ही है कि सब जो मैं बोलूंगा उसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं और कहीं बाहर से आने नहीं वाला है आपको। इसीलिए मैंने यहाँ पे अप्रोच बताने के लिए कैसे आपको सॉल्व करने हैं। उसी तरह यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री की भी सब नहीं ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर कुछ कुछ ले रहा हूँ जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि हाँ एमएम एकेडमी में यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी बताया गया है उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसी के साथ साथ आपको एक अप्रोच भी मिल जाएगा सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नॉट करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर न्यूज़पेपर दिया गया है, यहाँ पर फाउंडर्स न्यूज़पेपर, हमने सेपरेटली न्यूज़पेपर का एक जो वीडियो है वो कवर किया गया, उसमें जो सैंक्शंस लगाए गए थे कौन कौन से किसने न्यूज़पेपर लिए हैं, जोड़िया भी बताई गई है। तो इससे आप देख सकते हो कि सबसे आसान जो यहाँ पर अल हलील, न्यू इंडिया, तजीब, संवाद, कमूडी, ये अगर आप देखोगे इसमें सबसे आसान कौन सा है, न्यू इंडिया है, किसी को भी पता रहेगा। मतलब गांधी जी, एनी बेसेंट, जो लोकमान्य तिलक है, इन्होंने जो न्यूज़पेपर निकाले हैं ये ऑलमोस्ट सभी को पता रहते हैं, एटलीस्ट जिन्होंने एमएम एकेडमी पर जो लेक्चर्स है वो देखे होंगे उनको पता ही होंगे। तो न्यू इंडिया जो यहाँ पर आप देख सकते हो, कॉमनवेल, ये एक स्क्रीनशॉट है होम रूल लीग का स्क्रीनशॉट, ठीक है, जो लेक्चर हमारा है एमएम एकेडमी पर, ठीक है, यूट्यूब पर है ही नहीं, एमएम एकेडमी पर जो मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स है उसका एक स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पर हमने होम रूल लीग के बारे में जब देखा था, मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो होम रूल लीग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था वो हमने कवर किया, और फिर यहाँ पर एनी बेसेंट जो है, कॉमनवेल एंड न्यू इंडिया, ये उनके पेपर्स थे, कॉमनवेल एंड न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया ये एनी बेसेंट है, बिल्कुल सही है ना, यहाँ पर मतलब ये उन्होंने किया था। यहाँ पर बोला गया नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आपने जो राजा राम मोहन रॉय है, अब यहाँ पर इनका भी इम्पोर्ट हो जाता है लोकमान्य तिलक का, ठीक है, यहाँ पर केसरी एंड महारट्टा, तो यहाँ पर जो अगर आपने राजा राम मोहन रॉय का न्यूज़पेपर वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा उसमें यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय ने कौन कौन से न्यूज़पेपर निकाले हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हो संवाद, कॉमेडी, ये भी स्क्रीनशॉट है उधर का, तो इस तरीके से ये भी अभी बिल्कुल सही हो जाता है। उसी तरीके से जो मोहम्मद अली जिन्ना है उसने कौन कौन से न्यूज़पेपर निकाले थे, क्या उसने निकाला था ये पता है, ये बिल्कुल उसने नहीं निकाला था, ठीक है, और ये भी निकाला गया था मौलाना अब्दुल कलाम के उनके तरफ से। तो इस तरीके से वो अब स्क्रीनशॉट की जगह नहीं थी इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट जो है वो लगाया नहीं है। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है कि जो लिस्ट है वो आपको दी गई है, यहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं, है ना, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको कमीशन या कमिटीज के बारे में बताया गया है कि कौन से कमीशन कौन से इसमें आए थे। अब यहाँ पर देखिए स्मार्ट स्टडी देखिए, हमने जब पुलिस रिफॉर्म का देखा था मॉडर्न हिस्ट्री के जो लेक्चर्स है एमएम एकेडमी ऐप पर, उसमें जब हमने पुलिस रिफॉर्म के बारे में लेक्चर दिखा था उसमें सीधा पुलिस कमीशन 1902, उसमें यहाँ पर देखिए एंड्रयू फ्रेजर कहाँ का है, पुलिस कमीशन का है, उसमें कौन कौन से उसने लाए थे ये भी हमने देखा था, पुलिस कमीशन सेंटर, प्रोविंस, सीबीआई, सीआईडी, ये सारी चीजें। खैर यहाँ पर पूछा एकदम ही आसान गया है कि फ्रेजर है ना, यहाँ पर क्या है एंड्रयू फ्रेजर, क्या है पुलिस कमीशन, तो यहाँ पर एंड्रयू फ्रेजर का हो गया पुलिस कमीशन, मतलब क्या हो गया ए का हमें 3 जो है ये देखने को मिलता है ना, तो मतलब ये जो है ये दोनों तो यहाँ पर चले गए, और है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर दूसरे भी अगर आप देखोगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर मैकडोनल्ड जो है उसका भी हमने देखा था, यहाँ पर किसका है फेमैन कमीशन, जब हमने फेमैन के रिगार्डिंग चीजें देखी थी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, अगर आप बाकी देखोगे ये भी हमने कवर किया, ये भी हमने कवर किया हुआ है स्कॉट के बारे में, तो इस तरीके से अगर आप देखो तो ए जो इसका जवाब देखने को मिलता है, ठीक है। तो देख सकते हो आपके पूरा होलसम अमाउंट में यहाँ पर कवर जो है वो किया गया है ना। चलिए अगली इस पर आते हैं, आर्य समाज के बारे में बात की गई है, आर्य समाज ये भी असर्शन रीजन है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, ठीक है, असर्शन रीजन है। तो यहाँ पर आर्य समाज मूवमेंट जो है उसने सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया था, सेल्फ रिलायंस दिया था हिंदूज को, और रीजन क्या था, आर्य समाज जो है ये यहाँ पर सुपेरियरिटी जो है व्हाइट रेस की वो यहाँ पर अंडरमाइन कर रहा था। तो यहाँ पर अगर आप लॉजिकली भी देखो तो अगर आपने आर्य समाज के बारे में पढ़ा है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट है आर्य समाज के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग 10 गाइडिंग प्रिंसिपल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको सभी चीजें यहाँ पर कवर की गई है। तो इसीलिए इससे अगर आप देखोगे तो ए इसका जवाब में देखने को मिलता है कि पहला बिल्कुल सही है, सेल्फ रिलायंस यहाँ पर दिया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हो उनके कौन कौन से चीजें थी, है ना। तो और दूसरा भी बिल्कुल सही है क्योंकि सुपेरियरिटी कम होगी तो बट ऑब्वियस सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा लोगों का, तो ये बिल्कुल सही है, मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें आर्य समाज के लेक्चर में बताई हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर लाला लाजपत राय के बारे में बात की गई है, यहाँ पर है कि एट फर्स्ट वो जो है ये पॉलिसी जो है नॉन कोऑपरेशन के उसके फेवर में नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने गांधी जी जो है उनको ज्वाइन कर लिया था नॉन कोऑपरेशन के लिए। लाला लाजपत राय जो उन्होंने स्वराज पार्टी के फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे स्वराज पार्टी, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्वराजिस्ट लीडर है ना, स्वराजिस्ट लीडर में आपको कहीं भी लाला लाजपत राय देखने को मिल रहे हैं, नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए गलत हो जाता है। पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसके लेक्चर में पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसमें हमें देखने को ये भी चीज मिलती है, तो ये बिल्कुल सही है।
जवाब इसका ये हमें देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स है, सब कुछ कवर हुआ है, सब कुछ, इंक्लूडिंग सेशंस, इंक्लूडिंग उनके लीडर कौन थे, प्रिसाइड कौन कर रहा था, किसने कितने बार प्रिसाइड किया हुआ है ना, सारी चीजें, कहां पर सेशन हुआ था। तो यहां पर 1922 का गया सेशन वहां पर हमें देखने को मिलता है, यहां पर 1920 का स्पेशल सेशन जो है कलकत्ता में, तो सारी ही चीजें जो है वो हमें कवर होती हुई देखने को मिलती है, ठीक है। और यहां पर नेक्स्ट आता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है 1922 का, वो महात्मा गांधी जी ने क्यों यहां पर विड्रॉ कर लिया था, क्या रीजन था उसके पीछे का। तो हम सभी ने देखा था जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसके लेक्चर में कि चौरी चौरा इंसिडेंट्स हमें देखने को मिला। चौरी चौरा इंसिडेंट्स में क्या हुआ था, पुलिस स्टेशन जो है वो जलाए गए थे, वो सब कांड हुआ था, उसकी वजह से गांधी जी जो है, जैसे मैंने यहाँ पर फोटो भी लगाई थी, गांधी जी ने बोला अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, है ना, गांधी जी ने बोला कि मैंने तुमको बोला था नॉन वायलेंट रहना, तुमने वायलेंस कर दिया, मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो इसीलिए चौरी चौरा वायलेंस जो है उसकी वजह से यहाँ पर निकाला गया था। तो आप समझ सकते हो किस तरीके से हमें अप्रोच करना, किस तरीके से अगर आप प्रॉपर वीडियो देखते हो, खास मैंने इसीलिए भी लाया कि आपको एक 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 आप स्ट्रेटेजी उस तरीके की बनाओ कि वीडियो सिर्फ देखने के लिए देखना नहीं है, वीडियोस आपको प्रॉपरली फॉलो करना है, वीडियोस में क्या बताया गया है वो भी इम्पोर्टेंट है, जो लिखा गया है वो भी है, और जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो भी जरूरी है। तो ये सारी चीजें जरूरी होती है, तब इजिली आपको चीजें जो है वो याद हो जाती है। यहाँ पर जो गदर पार्टी उससे एसोसिएटेड कौन नहीं थे, ये यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हरदयाल है, लाला हरदयाल है ना, इस तरीके से, और बाकी जैसे जैसे आगे जाता है, जो हमने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज देखी थी उसमें हमें इनका भी नाम जो है वो देखने को मिलता है, इनका भी देखने को मिलता है, इनका देखने को नहीं मिलता क्योंकि इनकी जो डेथ है वो इससे पहले ही हो गई थी। जो गदर पार्टी है उसका फॉर्मेशन हमें 1913 के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन उससे पहले ही खुदीराम बोस जी उनकी डेथ हो गई थी, तो इस तरीके से इनका नाम देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो चीजें हैं ये हमने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में गदर म्यूटिनी जो उसमें कवर किया हुआ है, तो ये इससे आपको पता चलेगा कि हमारा सब कुछ कवर हुआ है। बस ये इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपको याद आ रहा है या नहीं, याद आ रहा है नहीं, किस पे डिपेंड होता है कि आप कितने रिवाइज कर रहे हो, कितने अच्छे तरीके से रिवाइज कर रहे हो, कितनी ज्यादा रिविजन आपकी हो रही है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो एक्चुअल में होता है कि एमएम एकेडमी जो है वो सक्षम है, और करंट अफेयर के मैंने जानबूझ के लिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे हैं, मतलब आप अगर देखो तो कितनी सारी चीजें, कौन बनेगा इसके क्वेश्चंस में हमने जो ब्राजील है ना, ब्रिक्स है, उसको कौन प्रिसाइड कर रहा है उसके रिगार्डिंग भी देखा था, उसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें, अभी तो मुझे खैर याद भी नहीं आ रहा है कि क्वेश्चंस, मैंने सिर्फ एक ओवरलुक देखा था क्वेश्चन पेपर का, वो भी मैंने तब देखा जब मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पर, आपने स्टोरीज देखी होगी मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरीज जो है, काफी सारी स्टोरीज मेरी जर्नी जो है वो बताई है, और उसमें आपको ये भी पता चला क्यों मैं यूपीएससी जो है वो नहीं दे रहा हूँ, है ना, और उसमें काफी सारे मुझे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि जो लेक्चर जो पेपर हुआ है उसमें 70% ज्यादा जो है वो कवर हुआ है एमएम एकेडमी से, बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट सभी चीजें कवर हुई है, उनका सिलेक्शन एमएम एकेडमी की वजह से अब पक्का है, इतने सारे मार्क्स उनको मिले हैं, तो उसकी वजह से मुझे पता चला। फिर मैंने क्वेश्चन पेपर जो है वो ओवरलुक किया, देखा मैंने हाँ एक्चुअल में करंट अफेयर बोलिए, ज्योग्राफी का बोलिए, तो इस तरीके से आप जो भी सीरीज आने वाली है आप अश्योर्ड रह सकते हो कि सब कुछ कवर हो रहा है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, है ना। तो ये चीज इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आइए आप 17 अगस्त का न्यूज़पेपर का देख लेते हैं। यहाँ पर आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए, पीडीएफ देखिए जरूरी है, कौन बनेगा आया सीरीज अगर आप वैसा फॉलो नहीं कर रहे हो एमएम एकेडमी से, तो एटलीस्ट पीडीएफ जो है वो रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। पीडीएफ जो है आपको फ्री में टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है, मैं वो एटलीस्ट वो नहीं करना चाहता हूँ, मैं सभी को फ्री में करंट अफेयर जो है वो प्रोवाइड करना ही चाहता हूँ, ठीक है। करंट अफेयर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से आए थे, बहुत सारे ऑलमोस्ट हमने कवर किए ही हैं ऐसा मेरे को वहां पर दिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी चीजें। चलिए मैप बेस्ड एक्सरसाइज है, यहाँ पर प्लेस जो है आपको आइडेंटिफाई करना है, तो ये जो प्लेस है यहाँ पर ये कौन सी आपको बताना है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखिए और फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए। अब यहाँ पर एडिटोरियल पेज आइडिया स्पेस देखते हैं, तो ये वाला आर्टिकल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आर्टिकल को देखेंगे क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर की हुई है। रिवीजन के तौर पर हम इस आर्टिकल को देखेंगे कि रिसेशन जो उसके कारण क्या हो सकते हैं, पहले जो रिसेशन आए थे उसके रीजंस और अभी के जो रीजंस है ये फर्क कैसे है, इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। दूसरा यहाँ पर आप देखो तो इकोनॉमिक के बारे में बात की जा रही है एजेंडा, यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केट राइट यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ हम देखने वाले। तो देखिए इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो शेयर जरूर कर दीजिए, तो इसी बात पे जल्द से जल्द शेयर कीजिए। एक्सप्लेन सेक्शन जब हम देखते हैं तो उसमें भी एनईपी के बारे में यहाँ पर बात की गई है, तो ये आर्टिकल हम डिटेल में देखेंगे। एनईपी हालांकि उस पर सेपरेट लेक्चर अवेलेबल है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तो वो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो देखिए इससे आपको पता चलेगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है और हम यहाँ पर कितनी सारी चीजें कवर कर रहे हैं,
है ना, ये तो रिवीजन भी आपकी हो रही है, तो इसलिए मिस मत कीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप भी के भलाई के लिए है। देखिए जैसे कि स्टोरीज जो आपने, अगर मेरी स्टोरीज देखी होगी तो आपको पता चला होगा मेरे लाइफ के बारे में, कि जब मैं वहां से, जहां मैं बहुत अच्छे तरीके से कमा रहा था, जब मुझे पैसे अच्छे खासे मिल रहे थे, जब वहां से स्विच करके मैं यहाँ पर आया, तब यूट्यूब पे 100 सब्सक्राइबर भी नहीं थे, 100 सब्सक्राइबर भी नहीं थे। तो जब उतनी बड़ी रिस्क लेके मैं यहाँ पर आया था, तो मैं यहाँ पर कुछ कुछ करने के लिए नहीं आया था, कुछ बनने के लिए नहीं आया था, यहाँ पर मैं अपने पैशन को फॉलो करते हुए आया था। इसलिए मुझे व्यूज कितने होते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैं कभी व्यूज के पीछे जाता भी नहीं हूँ, या फिर सब्सक्रिप्शन के पीछे जाता नहीं हूँ। जाता मैं इसलिए हूँ कि नॉलेज जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड हो सके, और वही सिर्फ मेरा मोटो रहता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर अगर हम देखें तो MM Academy ऐप जो है उसको आप फॉलो कर सकते हो। आपको प्रूफ मैंने बता दिया है कितना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, कितना ज्यादा फायदा हो रहा है आपका, सारी एग्जाम के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखो। तो इसीलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई दूसरी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको भी इंक्लूड किया जाए, हमारी फैमिली जो एक्सपांड की जाए, जिससे कि बहुत सारे लोगों को फायदा मिले। ठीक है, तो और बहुत सारे ऑप्शंस आपको पेमेंट के भी अवेलेबल है। तो आइए पहले इस पर आते हैं, प्रोडक्शन डिवोल्यूशन यूनिवर्सलिज्म मार्केट बिल्डिंग की टू रेस्ट नरेटिव। अब यहां पर बेसिकली बात किसके बारे में की जा रही है, तो प्रोग्रेस हमारी इकोनॉमी में कैसे हो सकता है। यहां पर तीन चीजें बताई गई है ऑथर के द्वारा, जिससे हम प्रोग्रेस जो है वो ले सकते हैं। पहले जो है वो वही चीजें दी जाती है जो ढांचे होते हैं, कि हमारी इकोनॉमी इस तरीके से चल रही है, हमारी इकोनॉमी में ये हो रहा है, हमारी इकोनॉमी में ये सब कुछ हो रहा है, ये तो आपको पता ही है। मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है सोल्यूशन, और इसी में जो इंडियन एक्सप्रेस है वो बाजी मार लेता है, जिसमें द हिंदू नहीं मार पाता है। द हिंदू में आपको जो ढांचे हैं वही देखने को मिलेंगे, कि भैया ये हो रहा है, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, वो होना ये। लेकिन क्या हो सकता है, क्या सरकार के पास ऑप्शंस है, ये इंडियन एक्सप्रेस में देखने को मिलता है। और यहां पर अगर आप देखो तो तीन चीजें हमें देखने को मिल रही है, मतलब प्रोग्रेसिव विजन जो है इकोनॉमी का, ये क्या हो सकता है, ये USP है इंडियन एक्सप्रेस की। तो यहां पर पहली चीज जो हमें देखने को मिलती है, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशियंट हमें होना है, वोकल फॉर लोकल। तो इसीलिए यहां पर जो लोकल चीजें हैं उसको ज्यादा प्रचार करो, अगर हो रहा है तो MM Academy भी लोकल है तो उसके लिए वोकल हो जाओ, बताओ कितना बेनिफिशियल है, और आप कर भी रहे हो। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, बिना पेड प्रमोशन के, एक पेड प्रमोशन, एक भी मैंने कोई पेड प्रमोशन नहीं किया है, और आप ही के वजह से, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के वजह से आज सब्सक्रिप्शन जो है वो 4 महीने हुए हैं। 4 महीने, सोचिए आप, कि इतना बड़ा बेस भी नहीं है कि मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है, कि एक झटके में हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएंगे, या फिर बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहे हैं। यहाँ पर ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, फिर भी अगर आप देखो तो सब्सक्रिप्शन जो है वो 11,000 के पार चला गया है 4 महीने के अंदर अंदर। तो मतलब रेशियो अगर आप देखो, जितने लोगों ने डाउनलोड किया है, तो जितने लोग डाउनलोड कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट सभी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। कुछ ऐसे हैं, मतलब समझ लीजिए 10 से 15% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हैं, और उनके कुछ कारण हो सकते हैं, फाइनेंशियल कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनका फाइनेंशियल रीजन है, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी ना किसी रास्ते से सब्सक्रिप्शन जो है वो लिया है। तो ये भी एक, और एक एक व्यक्ति है, एक एस्पिरेंट है, जिनके फादर जो है वो पिट्टू जो होता है वो लेकर जाना, तो वो लेकर जाते हैं, उन्होंने भी सब्सक्रिप्शन लिया है। तो मतलब मुझे नहीं लगता है फिर कि किसी के बीच में ये रोड़ा बन सकता है, अड़थड़ा बन सकता है, अनलेस आपके अंदर, आप खुद उसके बीच में रोड़ा ना बनो। तो इस तरीके की चीजें इंस्पायर करती है, और आपके लिए काम करने के लिए और मोटिवेट करती है। तो यहाँ पर पहली है सेल्फ रिलायंस, ठीक है, आपको आत्मनिर्भर जो है वो बनना है। और देखिए यहाँ पर जो है पॉपुलर टू से एक्सपोर्ट रूट जो है प्रॉस्पेरिटी का, वो अब क्लोज हो चुका है विद द एंड ऑफ हाइपर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, हमें खुद को सक्षम बनाना है, खुद का मार्केट खुद क्रिएट करना है, जहां पर हम हमारी चीजों को अच्छे तरीके से खरीद सके, अच्छे तरीके से बेच सके। यहाँ पर 5 पिलर जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम परस्पेक्टिव से, और ये जो है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एग्जाम परस्पेक्टिव से आपको पूछा जा सकता है नीचे दिए गए में से सेल्फ रिलायंस का कौन सा पिलर है या कौन से पिलर नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमी है, क्वांटम जंप, यहाँ पर इंक्रीमेंटल चेंज नहीं, क्वांटम जंप मारना है, आप धीरे 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 आगे नहीं, फट से ऊपर बढ़ना है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पर मॉडर्न इंडिया जो है उसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टेक्नोलॉजी ड्रिवन हमारे सिस्टम रहना चाहिए, टेक्नोलॉजी जो है सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। डेमोग्राफी अगर हम देखें, वाइब्रेंट डेमोग्राफी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। उसी के साथ साथ अगर आप देखो तो जो यूथ है उनको रिप्रेजेंट करता है इंडिया, तो आज यूथ के पास बहुत पावर है। यूथ अपनी एनर्जी खर्च क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज करने में, है ना, लोगों को ट्रोल करने में, क्यों?
अपनी जिंदगी है, ट्रोलर्स बनना बंद करो, ट्रोलिंग करना बंद करो, अरे खुद सक्षम बन जाओ। वक्त नहीं मिलता है, एक बार अगर खुद के कैपेबिलिटीज पर खड़े हो गए ना, खुद की अगर एनर्जीज अगर एक जगह चैनलाइज कर ली, तो वक्त नहीं मिलता है फिर ये सारी चीजें करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है, यही आज हमारे पास मौका है कि हम कुछ बन सकते हैं या हो सकते हैं। ठीक है, डिमांड अगर हम देखें, फुल यूटिलाइजेशन जो है पावर का, डिमांड सप्लाई उसका हमें करना है। तो ये फाइव पिलर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमें देखने को मिलता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब क्या है कि लोगों के अकाउंट में भले वो कुछ भी हो, अगर उनके पास पैसा कम है, उनके अकाउंट में उतना जो पैसा है वो जाना ही चाहिए। तो ये है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम अगर हम अलग अलग कंट्रीज का देखें, फिनलैंड देखे, कनाडा देखे, केनिया देखे, यूनाइटेड स्टेट्स देखे, तो उनको फायदा जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, अदर कंट्रीज जो है वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो रन कर रही है, स्पेन, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी कंट्रीज में यूबीआई हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम देते हैं तो इससे भी काफी फायदा होता है। एट प्रेजेंट अगर आप देखो तो सरकार जो है वो लोगों के अकाउंट में पैसा जमा कर रही है, तो ये इनडायरेक्टली क्या है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम ही है। उसी तरीके से यूनिवर्सल बेसिक इनकम अगर हम पार्टी बना ले, क्योंकि काफी साल से चला आ रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर बन सकता है। मेंस में भी इस पर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, तो दूसरा है यूनिवर्सल बेसिक इनकम अगर दी जाए तो यहां पर क्या होगा कि सभी के पास पैसा आ जाएगा, सब अपने हिसाब से खर्च कर पाएंगे, जो उनको खर्च करना है उस पर खर्च कर पाएंगे। आज हम उनको व्हीट दे रहे हैं, आज हम उनको अनाज दे रहे हैं, राइस दे रहे हैं, व्हीट दे रहे हैं, लेकिन अगर उनको राइस व्हीट नहीं खाना है, ठीक है, लेकिन उनको मजबूरन आज वही लेना पड़ेगा क्योंकि उसी पे सब्सिडी है। अगर वो कोई न्यूट्रिशियस दूसरी डाइट लेना चाहे तो उनको वो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर हम उनके अकाउंट में पैसे जमा कर दे तो हो सकता है कि वो बटर खाए, हो सकता है कि वो काजू खाए, हो सकता है कि वो बादाम खाए, जिससे कि उनको न्यूट्रिशियस डाइट जो है वो मिले, उनकी अपने आप जो पर्सनैलिटी है डेवलप हो। उसी के साथ यूनिवर्सल हेल्थ केयर अगर हम ये भी प्रोवाइड करते हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा सभी को। यूनिवर्सली हेल्थ केयर प्रोवाइड करो, है ना, हमने देखा हुआ है उसके रिगार्डिंग कौन सा है, आयुष्मान भारत, है ना। तो इस तरीके से यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यूनिवर्सल हेल्थ केयर से फायदा क्या होगा, आज हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखिए सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है कि अगर आपने 1,000 रुपए सेव किए हैं, आपने सोचा कि 1,000 रुपए जो है मैं सेव करूंगा या करूंगी और मैं इस जगह पर इसको इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी या खर्च करूंगा, लेकिन हुआ क्या कि आपकी तबीयत खराब हो गई, और आपकी तबीयत खराब होने की वजह से क्या हुआ कि आपके 500 रुपए जो है वो तो हॉस्पिटल में ही चले गए। अब आपने जो 1,000 सेव किए थे बचे कितने, 500, तो मतलब आप यहाँ पर खर्च कितने कर पाओगे, सिर्फ 500 कर पाओगे। ये हो गया आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। अब देश को इससे नुकसान कैसे होता है, ये जो 1,000 रुपए है, ये 1,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि आपने सोचा होगा कि मैं एक आधा जो डेस्क है वो खरीदता हूँ। ठीक है, 1,000 रुपए में कोई डेस्क खरीदता हूँ। अब 1,000 रुपए का डेस्क अगर आप खरीदो तो बट ऑब्वियसली डेस्क बनाने वाली जो कंपनी है उसको फायदा होगा, है ना, कंपनी को फायदा होगा तो उसका एक्सपांशन होगा, प्रॉफिट होने की वजह से एक्सपांशन होगा, तो बट ऑब्वियसली ज्यादा लोगों को हायर करेगी, ज्यादा लोगों को हायर करेगी, ज्यादा लोगों के अकाउंट में पैसे आएंगे, ज्यादा सेविंग होगी, ज्यादा सेविंग होगी और ज्यादा खरीदेंगे और खरीदेंगे और प्रॉफिट होगा। क्या हो रहा है, इकोनॉमी बूम हो रही है। आप सोचिए आपकी ये चीज करने की वजह से कितना इंपैक्ट पड़ता है पूरी दुनिया पर, पूरी इकोनॉमी पर, है ना। वही अगर आपने 1,000 के बजाय 500 हो गए तो अब आप वो डेस्क नहीं खरीद पाओगे। अब आप 500 रुपए में सोचोगे या तो मैं सेव ही कर लेता हूँ, और अगर मेरी तबीयत खराब हो गई आगे तो सेव ही कर लेता हूँ, 500 रुपए जो है रूलिंग में आ नहीं रहे हैं करेंसी के, है ना। तो अब क्या हो रहा है, वो कंपनी को नुकसान हो रहा है, कंपनी को नुकसान हो रहा है तो वो ले ऑफ कर रही है, लोगों को निकाल रही है, निकाल रही है तो और लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, नुकसान हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है ना। तो इसलिए क्या होता है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की वजह से इतना नुकसान होता है। इसीलिए सरकार चाहती है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर खत्म हो जाए। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पर आपको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर देना नहीं पड़ता है। अब क्या होगा कि अगर आपकी तबीयत खराब भी होती है तो सरकार की तरफ से पैसे जा रहे हैं, तो इसलिए ये जो 1,000 रुपए पूरे आपके बच रहे हैं आप खर्च कर सकते हो बिंदास। ये चीज हमें देखने को मिलती है। इंसान जो है अपने अकाउंट में पैसे जमा क्यों करता है, मुझे आप बताइए, क्यों बताइए, मतलब क्या रीजन है कि वो अपने अकाउंट में पैसे जमा करता है। सबसे बड़ा कारण होता है हेल्थ केयर का, कि अफोर्सीन अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, कि अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए अपने फैमिली में, तो हमारे पास पैसे जमा रहने चाहिए कि बा कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर कोई अफोर्सीन अगर कंडीशन, अफोर्सीन कंडीशन क्या होती है, हेल्थ रिलेटेड ही होती है ना, दूसरी तो कुछ होती नहीं है अर्जेंटली। तो
तो इस तरीके से मोस्ट ऑफ दी चीजें, अगर मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज देखो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर सेविंग का उनको इतना ये नहीं होता है, एजुकेशन सिस्टम फ्री है, हेल्थ केयर अगर आप देखोगे तो वो फ्री हो जाती है, मतलब मैं जहां स्टेट ये बोल रहा हूँ, सारी कंट्रीज नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज में तो बहुत महंगा भी एजुकेशन, यूएसए में हम जाते हैं तो लोन लेके जाते हैं, बहुत सारे लड़के फ्री में नहीं पढ़ते हैं वहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि बहुत सारी जगहों पर फ्री में भी एजुकेशन दिया जाता है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है और वो हैप्पीनेस इंडेक्स में भी उनका अच्छा रैंक होता है, और बहुत सारी कंट्रीज में जो आपको हेल्थ फैसिलिटीज है वो भी फ्री में प्रोवाइड की जाती है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बचने की वजह से। नेक्स्ट फाइनली यहाँ पर आता है मार्केट बिल्डिंग, हमें मार्केट जो है वो बिल्ड करने की जरूरत है, प्रोग्रेसिव यहाँ पर मार्केट जो है उसको बिल्ड कैसे करना है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक मार्केट स्पेसिफिक चीजों के से हमें बूस्ट करना है, ठीक है, मतलब मैकेनिज्म प्रॉपर तरीके से करना, जो प्रोसेसर है इंफॉर्मेशन प्रोसेसर वो प्रॉपर तरीके से करना, सोशल होना, मार्केट को प्रॉपर कैपिटलाइज करना, ये जरूरी है, तब जाकर हमारी ग्रोथ होगी, नहीं तो क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है मार्केट। अभी सरकार क्या कर रही है, इंड्यूस करने की कोशिश कर रही है पैसा एमएसएमई में, अगर आप देखो, है ना, तो ये चीज हमें लिए बहुत जरूरी है, वर्कर जो है उनको प्रॉपर स्किलिंग देना, है ना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। तो इसीलिए ये तीन जो पर्सपेक्टिव है, ये तीन पर्सपेक्टिव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सेल्फ रिलायंट होना, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, और तीसरा मार्केट बिल्डिंग। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेंस में आपको आता है कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, ये तीन चीजें आपने लिखना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट चीज पर जाते हैं, क्राइसिस विदाउट विलन्स। अब ये आर्टिकल ऐसा है कि इसमें की चीजें हमने बहुत बार कवर की हुई है, लेकिन एक रिविजन पर्सपेक्टिव से एक प्रॉपर सिनारियो आपको समझ में आ गया, इसलिए मैं एक स्लाइड में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, नोट्स वगैरह अगर आप बना रहे हो तो अभी कुछ मत बनाइए, अभी सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। रिसेशन, हमारे कंट्री में रिसेशन आ रहा है। रिसेशन क्या है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। रिसेशन क्या है, स्लोडाउन क्या होता है कि अगर आपकी जीडीपी में अगर डिसेलरेशन देखने को मिल रहा है, मतलब कि हमारी जीडीपी ग्रो हो रही थी, क्वार्टर्स होते हैं अलग अलग, क्वार्टर्स वो नहीं, क्वार्टर मैंने आपको बताया है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर में चार क्वार्टर होते हैं, तीन तीन महीने के। अब कंटिन्यूअसली क्वार्टर्स में अगर जीडीपी डिसेलरेट हो रही है, मतलब पहले क्वार्टर में 5% थी, दूसरे में 4% हो गई है, फिर 3% हो गई है, मतलब क्या हो रहा है, डिसेलरेशन हो रहा है, मतलब स्लोडाउन हो गया है। दूसरा होता है रिसेशन। रिसेशन मतलब क्या, कि कंटिन्यूअसली दो कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में, मतलब फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकेंड क्वार्टर, दो कंजिक्यूटिव क्वार्टर में अगर जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव दिखाती है, मतलब कि फॉर एग्जांपल -3 था फिर -2 हो गया, तो यहां पर क्या हो रहा है कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन दोनों नेगेटिव में है ना, तो ये बोलेंगे हम रिसेशन, ठीक है, रिसेशन आ गया है। अब प्रोलॉन्ग रिसेशन रहता है, बहुत टाइम तक रिसेशन रहता है, उसे हम कहेंगे डिप्रेशन। अब रिसेशन जो है ये क्यों आता है, तो मोस्ट प्रोमिनेंटली दो कारण हमें देखने को मिलते हैं, एक सप्लाई साइड होता है, एक डिमांड साइड होता है। सप्लाई साइड मतलब क्या है, सप्लाई साइड मतलब ये है कि जो चीजें हैं वो बन नहीं पा रही है, समझ रहे हो, कि लोग जो है वो तो आतुरते से खरीदने के लिए बैठे हैं लेकिन चीजें ही बन नहीं पा रही है। हो सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर हो, है ना, कि मतलब इतना बुरी तरीके से एनवायरमेंटल फैक्टर आ गया है कि अनाज जो है पूरा खराब हो गया, तो वो बन नहीं पाया। दूसरा, जो इंडस्ट्रीज है उनके पास पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, तो उस वजह से वो बना नहीं पा रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो प्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो चीजें जो है मार्केट में मिलेगी क्या, चीजें मिलेगी ही नहीं। चीजें मिलेगी नहीं तो लोग खरीद पाएंगे क्या, लोग खरीद ही नहीं पाएंगे। लोग खरीदेंगे नहीं तो स्लोडाउन आएगा या नहीं आएगा, स्लोडाउन आ जाएगा, तो ये स्लोडाउन आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सप्लाई साइड का स्लोडाउन। अब सप्लाई साइड का स्लोडाउन हमें पहले देखने को मिला है, अगर आप पहले का टाइम देखो, पहले जो हमारे यहाँ पर रिसेशन आए हैं वो सप्लाई साइड से मोस्टली हमें देखने को मिले। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज कर दो, बम बम प्रोडक्शन इंक्रीज कर दो। प्रोडक्शन आप इंक्रीज कर दोगे तो ऑब्वियस है कि ज्यादा हमें चीजें देखने को मिलेगी, और फिर क्या होगा कि ज्यादा लोग जो है वो खरीदेंगे, और फिर इससे हमारी इकोनॉमी जो है फिर से बूम पर आ जाएगी। दूसरा रिसेशन होता है जो कि प्रॉब्लमेटिक होता है, वो है डिमांड साइड का, और जो एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है कि डिमांड ही जनरेट नहीं हो रही है चीज़ों की। जो मार्केट है उसमें तो भरा हुआ है सब कुछ, ठीक है, आईफोन भरे हुए हैं, लेकिन डिमांड ही नहीं है, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं। लोग खरीदते क्यों नहीं है, लोगों की जॉब नहीं है, कंपनीज को फायदा नहीं हो रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है। जिसकी जॉब है उसको भी ये डर है कि मुझे निकाला तो नहीं जाएगा क्योंकि लॉस हो रहा है। तो ये चीजें होती है, तो ये हो गया डिमांड साइड।
तो डिमांड साइड के इसमें क्या होता है, डिमांड साइड के इसमें होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि क्या होता है डिमांड साइड में लोग खरीद नहीं रहे हैं, लोग खरीदेंगे नहीं तो कंपनीज को प्रॉफिट होगा क्या, नहीं होगा। कंपनीज को प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी ले ऑफ नहीं करेगी, लोगों को निकालेगी नहीं, एम्प्लॉयज को निकाल देगी, एम्प्लॉयज को निकालेगी तो और उनके पास पैसा नहीं आएगा, परचेसिंग पावर और खराब हो जाएगी, और खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे, तो एक विशियस साइकिल बन जाती है। इसमें इन्वेस्टमेंट भी हमें देखने को नहीं मिलता है, इन्वेस्टर को पता है भैया फायदा नहीं होने वाला है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि सब कुछ लॉस में जा रहा है, तो पैसा इंड्यूस कैसे किया जाएगा, फायदा कैसे होगा, लोगों के हाथ में पैसा जाना चाहिए तब जाकर फायदा होगा, लोगों के हाथ में ऐसा पैसा कौन पहुंचाएगा, सरकार पहुंचाएगी, गवर्नमेंट ने खर्चा करना चाहिए, गवर्नमेंट जो आज लोगों के अकाउंट में पैसा डाल रही है वो करना चाहिए, है ना, और उसी के साथ साथ जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसमें खर्च करना चाहिए। गवर्नमेंट कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेगी, रोड बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, तो लोगों को जॉब मिलेगी, लोगों को जॉब मिलेगी तो बट ऑब्वियस है कि लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो कंपनीज को फायदा होगा, कंपनीज को फायदा होगा तो कंपनी ज्यादा हायर करेगी, हमारी इकोनॉमी बूम पर जाएगी। समझ में आ गया आपको? तो इसीलिए यहां पर क्या है कि डिमांड साइड का जब आ रहा है तो एट प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रही है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जरूरी होता है। अब आप बोलोगे कि गवर्नमेंट खर्च क्यों नहीं कर रही है, तो इसका भी इस आर्टिकल में जो ऑथर है उन्होंने दो चीजें बताई है, दो चीजें बताई है, क्या चीजें बताई है, दो हमने कवर किया हुआ है इसलिए मैं आपको यहां पर ओरली बता रहा हूं, सब हमने ऑलरेडी ये सब कुछ कवर किया हुआ है। पहली चीज तो यह है कि लोग कुछ खरीद ही नहीं रहे हैं, लोग कुछ खरीद ही नहीं रहे हैं, इसी वजह से क्या है, इसी वजह से लोग जो है वो खरीद ना पाने की वजह से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस से सरकार के पास नहीं पहुंच रहे हैं, मतलब जो सरकार की इनकम होती है वही कम हो रही है, जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो नहीं आ रहा है, इनकम टैक्स नहीं आ रहा है, लोगों की सैलरी कम होने की वजह से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है जीएसटी वो नहीं आ रहा है, लोग कुछ खरीद ही नहीं रहे, इसलिए तो सरकार के पास ही पैसा कम आएगा तो सरकार खर्च कम करेगी, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का खर्चा रहेगा, फिस्कल डेफिसिट का डर रहेगा। फिस्कल डेफिसिट क्या है, उधार, सरकार के पास पैसा कम आ रहा है, सरकार ज्यादा खर्च कर रही तो उधार ज्यादा लेना पड़ेगा, तो फिस्कल डेफिसिट का डर है ना। दूसरा डर क्या है कि सरकार जो है वो रुक रही है कि अगर अभी हम देखें तो लोग लॉकडाउन की वजह से घर में, लॉकडाउन रहने की वजह से घर में कुछ खरीद नहीं पा रहे, तो ऐसा सरकार को लग रहा है कि अगर हम लॉकडाउन हटा देंगे तो लोग ज्यादा खर्च करने लग जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी जो है वी शेप्ड रिकवरी ले लेगी, तो वी शेप्ड रिकवरी ले लेगी तो अभी रुक जाते हैं, सरकार एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है, सरकार खर्च नहीं कर रही है। लेकिन अगर हम देखें तो लॉकडाउन के पहले से हमारे यहाँ पर स्लोडाउन जो है वो चल रहा है, पहले से चल रहा है, उसके रिगार्डिंग वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है क्यों स्लोडाउन चल रहा था, है ना। तो ये जो चीज है ये पहले से चलता आ रहा है, तो ये तो तर्क है ये सरकार का शायद सक्सेसफुल ना हो, ये जो तर्क है ये एक हो सकता है फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होगा, लेकिन बहुत सारी जगहों पर हमने ये भी देखा है बहुत सारे आर्टिकल में कि फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होने दो, फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइड कर दो, लोगों के अकाउंट में पैसे जमा कर दो, जिससे कि लोग क्या करेंगे, लोग ज्यादा ज्यादा खर्च करेंगे, लोग खर्च करेंगे तो इकोनॉमी बूम पर आएगी। तो डिमांड साइड को एड्रेस करना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज सरकार के पर्सपेक्टिव से रहना चाहिए। तो सारे पर्सपेक्टिव इकोनॉमी के समझ में आ गए आपको, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है यार, मतलब मजा आ जाता है कि क्या करेगी अब सरकार, क्या करना चाहिए सरकार को। आप जब सजेशन दे पाओ तब इकोनॉमी मजा आएगा, सिर्फ पढ़ने के लिए इकोनॉमी पढ़ोगे तो उससे बोरिंग सब्जेक्ट आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको एमएम अकेडमी ऐप पर इकोनॉमी के भी देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेड। एनईपी हमने देखा है, एनईपी जो हमने कवर किया था, एनईपी को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हमने देखा, जबरदस्त है जो भी इसमें रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, बहुत जबरदस्त है। उसमें हमने 5+3+3+4 ये भी एक फॉर्मूला देखा, तो जबरदस्त है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। प्रॉब्लम हमने देखा था इंप्लीमेंटेशन का, कि इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, उसी को एड्रेस करते हुए यहां पर कुछ चीजें बताई गई कैसे इंप्लीमेंट की जाने वाली है, ठीक है। अब यहां पर इंप्लीमेंटेशन के बेसिस पर देखें, 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया। पहला तो यह है कि कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कि जिसमें जो नॉन फाइनेंशियल है, मतलब जो स्ट्रक्चरल बेसिस पर है, रेगुलेटरी बेसिस पर है, तो वो उसमें पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है, है ना। तो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जो रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं, वो तो पार्लियामेंट अप्रूव कर देगी और वो हो जाएगा, उसकी इंप्लीमेंटेशन में ज्यादा कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट जब करेगी वो हो जाएगा, उसमें जब पैसे लग ही नहीं रहे हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है। दूसरा यहां पर हमें देखने को मिलता है रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, जहां पर पैसों की जरूरत होती है, ठीक है, तो जहां पर मतलब टेक्नोलॉजी पर स्पेंड करना पड़ता है ना, जो स्किलिंग है उस पर खर्च करना पड़ता है, तो ऐसे जो खर्च होते हैं, ऐसे खर्च के लिए यहां पर आपको जो पैसा है उसकी जरूरत पड़ती है, मतलब आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे,
तो यहाँ पर क्वेश्चन निर्माण होता है कि पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे खर्च किया जाएगा। और तीसरा होता है कि जहां पर आपको हेवी इन्वेस्टमेंट लगने वाली है, थर्ड रिफॉर्म क्या है, जहां पर हेवी इन्वेस्टमेंट लगने वाली है, मतलब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बोलिए, मिड डे मील का बोलिए, जहां पर हेवी इन्वेस्टमेंट आपको लगने वाली है, तो यहां पर एक क्वेश्चन मार्क जो है वो खड़ा हो जाता है कि आप कैसे करने वाले हो। ठीक है, यहां पर बिल्कुल क्वेश्चन आपका निर्माण नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ के सोल्यूशन निकालना ये जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो बहुत सारे स्टेट डिफरेंट लेवल पर एजुकेशनल डेवलपमेंट जो है ऑलरेडी कर रहे हैं। बहुत सारे स्टेट जो है, जैसे कि अगर आप देखो तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर 5+3+3+4 पर चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो उसे चेंज करना पड़ेगा। तमिलनाडु जो है ऑलरेडी उन्होंने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिस्टम लाई है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे, केरला ऐसा है जिसने बहुत अच्छी तरीके से एजुकेशन सिस्टम जो है उसे अप्रोच किया है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या है कि आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग सिस्टम जो है वहीं से अब यहाँ पर चीजें की जाएगी। बहुत सारे लोगों को ये भी डर है कि उनके बच्चे जो है वो अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड में, फिफ्थ स्टैंडर्ड में है तो क्या सडनली ये लाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो चेंजेस है ये बेसिक से आएंगे, बेसिक से आएंगे। मतलब क्या है, मतलब या तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से किए जाएंगे या आंगनवाड़ी से किए जाएंगे, प्री स्कूलिंग से किए जाएंगे, है ना। तो ये सडनली यहाँ पर ऐसे चेंजेस नहीं होने वाले। दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बोर्ड, बोर्ड क्या चेंजेस किएंगे, एकेडमिक बैंक क्रिएट किया जाने वाला है क्रेडिट्स का, कि मतलब अगर कोई बच्चा है, कोई अगर कुछ पढ़ा है, ये लेवल तक पढ़ा है, तो ये उसके क्रेडिट में जमा हो जाएगा, ये उसका वेस्ट नहीं होगा। नहीं तो हमने देखा है ना बहुत सारे लोग ऐसे सेकंड ईयर में छोड़ देते हैं एजुकेशन, फिर वो 11th, 10th या फिर 12th पास ही कहलाते हैं, लेकिन अब वो नहीं होगा, अब यहाँ पर क्रेडिट जमा हो जाएंगे, क्रेडिट वो दूसरे एकेडमिक इसमें इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी थी। तो यहाँ पर क्रेडिट बैंक जो है इसे करने के लिए भी यहाँ पर खर्च जो है वो आएगा, तो ये प्रॉपर खर्च जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, स्टोर रहेगा उसके बैंक में। फिर उसका 2040 की डेडलाइन दी गई है, इतना हाई भी नहीं है कि अभी हमें करना है। तो यहाँ पर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट भी हमने देखा था 6% ऑफ GDP इन्वेस्ट किया जाएगा, तो ये भी इन्वेस्टमेंट जो है हमें देखने को मिलेगा। और बट ऑब्वियस सरकार ने बोला है तो करना ही पड़ेगा। 2040 तक ये डेडलाइन दी गई है, वहां तक हमें पूरा एनरोल करना है एजुकेशन पॉलिसी को। तो बट ऑब्वियस है कि जो बच्चे हैं वो यहाँ पर, जो भी बच्चे हैं वो अभी अगर हम देखें तो अभी जो एनरोल करेंगे वहां से अगर हम शुरू करें तो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन इसका होगा, प्रॉपर रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी के साथ साथ मदर टंग का एक क्वेश्चन आता है कि मदर टंग जो है उसमें देने वाले हैं तो इंग्लिश जो है क्या वो पढ़ाएंगे ही नहीं। देखिए मदर टंग की जो बात है तो यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस दी जाने वाली है और उसी के साथ इंग्लिश भी पढ़ाया जाने वाला है, ऐसा नहीं इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाने वाला है। फिफ्थ स्टैंडर्ड तक मदर टंग में पढ़ाया जाएगा, फिफ्थ स्टैंडर्ड के बाद इंग्लिश जो है वो हमें देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश जो है वो भी उनको आ जाएगी, ऐसा नहीं इंग्लिश में पढ़ेंगे ही नहीं, लेकिन एटलीस्ट फिफ्थ स्टैंडर्ड तक उनका इंटरेस्ट तो डेवलप हो जाएगा, पांचवी तक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, सीखने की भूख बढ़ जाएगी जब हम वो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। तो ये एक चीज है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ग्रेड 5 ओनली इन द मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेजेस, ग्रेड 5 तक के ही है। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपलसरी मॉडल एंट्री लेवल, यहाँ पर एंट्री एग्जिट लेवल एंट्रेंस टेस्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ यहाँ पर नंबर ऑफ बोर्ड्स, यहाँ पर CBSE बोलिए, ICSE बोलिए, है ना। तो ये डिफिकल्टी लेवल जो है वो भी यहाँ पर की जाएगी, 10th और 12th जो है उसकी डिफिकल्टी लेवल कम की जाएगी। यहाँ पर मगब जो होता है बच्चों का वो कम कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड जो चीज़ें हैं वो लाई जाएगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर की जाने वाली है जिसमें खर्चा भी आएगा और सरकार खर्च करने के लिए भी तैयार है, अलग अलग सेक्टर से यहाँ पर पैसे जो है उसके निकाले जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें एनिमी के बारे में देखने को मिलती है। कॉन्क्रीट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो म्यूजिक में अगर बहुत अच्छा है, राइट नाउ इट विल अपियर ओनली इन एक्स्ट्रा करिकुलर। अभी अगर हम देखें कोई म्यूजिक में अगर बहुत अच्छा है तो सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर में गिना जाएगा। हाँ, अच्छा म्यूजिक बोलते हैं, हाँ बहुत अच्छी बात है, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड में वो इंक्लूड किया जाएगा, समझ रहे हो आप। तो ये चीज है कि इतनी अच्छी लाई गई है, मतलब मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच रहेगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स भी पढ़े जा सकते हैं। कोई इंजीनियरिंग में है तो वो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है, अगर कोई UPSC देने की कोशिश कर रहा है 10th से या 12th से, है ना, तो वो अगर इंजीनियरिंग में भी एडमिशन ले रहा है कि वह एक प्लान भी तैयार मेरा रहना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकता है। उसी के साथ पॉलिटिकल साइंस अगर उसको ऑप्शनल लेना है पॉलिटिकल साइंस UPSC में तो पॉलिटिकल साइंस भी ले सकता है, अब जरूरी नहीं उसे आर्ट्स ही करना पड़ेगा। तो ये चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो ये मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हो गया, उसी के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर को इसमें इन्वॉल्व करना हो गया जिससे कि आपके मार्क्स जो इसमें ऐड हो जाएंगे, ये चीजें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हमें देखने को मिलती है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि न्यू टैक्स रिजिम मीन्स, मतलब यहाँ पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देखने को मिल रहा है। देखिए जो आर्टिकल दिया गया है वो तो दिया गया है, आर्टिकल अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि क्या बेसिकली है ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इसलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर
मैं यहाँ पर आपको होलिस्टिक वे में सारी चीजें आपको यहाँ पर आपके सामने ला रहा हूं, जिससे कि आपको फायदा मिलेगा। हम थोड़ा बाहर जाकर, इस आर्टिकल के बाहर जाकर हम चीजें को समझने वाले हैं। किसके बारे में? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। रिसेंटली क्या हुआ, यूनियन कैबिनेट जो है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम को। सबसे पहली चीज क्या आती है इसके रिगार्डिंग? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेक्टर स्कीम और स्पॉन्सर्ड स्कीम में फर्क क्या है, फटाफट बताइए। सेक्टर स्कीम मतलब 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब क्या होता है, 60-40, 75-25 ऐसा होता है। दूसरा यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, पैन इंडिया है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में लागू किया जाएगा। पैन इंडिया मतलब क्या है, सभी तरफ। जैसे कि तनिष्क, अगर आप देखो तनिष्क के शोरूम पैन इंडिया है। दूसरा हमें देखने को मिलता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिससे कि फॉर्मल क्रेडिट जो है फार्म में, फार्म प्रोसेसिंग बेस्ड एक्टिविटीज में इंड्यूस किया जा सके, पैसा इंड्यूस किया जा सके फार्मिंग में। पार्ट ओवर 20 लाख करोड़ स्टिमुलस पैकेज जो अनाउंस किया गया था COVID-19 के दौरान, तो उसी में का एक पार्ट है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट जो है, उसमें भी अमेंडमेंट, जिससे क्या हो, फ्लक्चुएशन जो यहाँ पर आते हैं, जो सरकार तय करती है यहाँ पे जो चीजें हैं उसको, कि ये कम्युनिटी इतनी रहनी चाहिए, ये कम्युनिटी के भाव इतने नहीं होने चाहिए, ऑनियन के प्राइसेस इतने, तो वो अब उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा, जिससे कि फार्मर को यहाँ पर बेनिफिट हो सके। एम क्या है इसका, जो फंड है इसका एम क्या है, यहाँ पर मीडियम लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो है इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोवाइड की जा सके। हमने देखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट जरूरी है। आप फार्मर को लोन वेवर दे दो, आप फार्मर को पैसा दे दो, फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज इस साल आप लोन वेवर दे रहे हो, अगले साल फिर से फार्मर की हालत वही रहने वाली है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करते हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देते हैं, तब फार्मर को बेनिफिट होगा। उनको फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको फिर खैरात में कोई चीज नहीं चाहिए, वो सक्षम है। वो पूरी दुनिया का, पूरे देश का पेट भर रहे हैं, क्या खुद का पेट भरने के लिए सक्षम नहीं है? है। उनको वैसी सहूलत दो, उनको वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो। खैरात में उनको भी कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, खैरात में तो वो हमको दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्रिटिकल चीज। प्री एंड पोस्ट पूछा जा सकता है, आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा कि प्री एंड पोस्ट है ना, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स, ठीक है, जो हार्वेस्ट निकलने के बाद की जो चीज है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि मतलब अगर आपने हार्वेस्ट निकाल लिया उसके बाद बहुत सारे लोगों का जो अनाज है वो खराब हो जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर किया जाना चाहिए। फंड जो है ये यहाँ पर कोल्ड स्टोर, जैसा मैंने आपको कहा कि जिससे क्या है, स्टोर करके रख सके वो। अगर उन्होंने टमाटर उगाए, टमाटर कोल्ड स्टोरेज में ना रखे जाए, सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो ये कोल्ड स्टोर्स देना जरूरी है, वेयर हाउसेस देना जरूरी है, तो इसमें खर्च करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज जरूरी है। ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, 2020 से 2029, लगभग 10 साल तक का रहने वाला है। फीचर्स अगर हम देखें, फाइनेंशियल सपोर्ट, एक देखिए स्पेसिफिक पॉइंट वाइज मैंने आपके लिए लाया है, स्पेसिफिक पॉइंट वाइज, जैसे कि अगर कोई भी पॉइंट आ जाए आपके सामने एग्जाम में तो आप इजीली उसका जवाब दे पाओ। ये प्रोवाइड किया जाएगा बाय द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज लोन टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखो तो जो 4 साल है उसमें डिसबर्स किया जाएगा लोन को। इंटरेस्ट सबवेंशन, इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब क्या होता है कि अगर फार्मर को 7% से लोन भरना है, इंटरेस्ट सबवेंशन अगर 3% का है तो एक्चुअल में 7-3 हो जाएगा, फिर एक्चुअल में जो 4% है वही भरना पड़ेगा, ठीक है, 3% सरकार दे देंगे। तो ये होता है इंटरेस्ट सबवेंशन। तो ये सारी चीजें, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरेस्ट स्कीम, है ना, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली क्या है, कौन सी चीजें याद रखनी है, पहली तो ये है सेंट्रल सेक्टर है, दूसरा है पोस्ट हार्वेस्ट है, तीसरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, ठीक है, उसके मैनेजमेंट के लिए है, और फिर यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप ये सब आने वाला है, इंटरेस्ट सबवेंशन यहाँ पर दिया जाने वाला है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको इसके रिगार्डिंग, फंड के रिगार्डिंग पता रहना चाहिए, क्लियर है। मैनेजमेंट अगर हम देखें तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म मैनेज मॉनिटर किया जाएगा, सारी चीजें देखी जाएगी, नेशनल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी जो है ये सेटअप की जाएगी, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगा कि भैया अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, सब कुछ देखा जाएगा। समझ में आ गया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो जवाब है हमारे मैप बेस्ड एक्सरसाइज का, वो है आइसलैंड। आइसलैंड हमें देखने को मिलता है, ठीक है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन यूरोप, कवर एरिया ऑफ 12,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो MM Academy ऐप डाउनलोड अगर आपने नहीं किया तो जरूर कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।